हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी जा रही हूँ मैं ड्यूटी, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है 15 दिसंबर और आज खुशबू भी आएगी तो उसको लेने भी जाऊँगी मैं, और घर से आएगी ना वो गाँव से, तो उसको भी मिलाऊँगी मैं आपसे। देखते हैं। वैसे तो वो लड़ाई कर रही उसने मेरे से, बट क्योंकि वो अकेले नहीं आती है, उसको लेने जाना पड़ता है नटराज तक, तो देखती हूँ मैं। अगर वो खुद से आ जाएगी तब तो नहीं जाऊँगी उसको लेने, बट उसके पास सामान ज़्यादा है तो लेने जाना पड़ेगा। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? अगर ऑफिस में कुछ होगा तो ऑफिस में दिखाऊँगी, वरना अगर उसे लेने जाऊँगी तो वो भी दिखा दूँगी मैं आपको, और अगर नहीं जाऊँगी तो जो भी होगा बता दूंगी मैं आगे, ठीक है? कुछ बेवकूफ लोग होते हैं दुनिया में जो खुद तो कुछ करते हैं नहीं बट दूसरों को प्रवचन बहुत देते हैं, और आई थिंक हमारे आसपास भी बहुत होते हैं, तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ठीक है? और इसको मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, क्योंकि कुछ पीपल मतलब कुछ लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते हैं नहीं और दूसरों को मतलब मजाक उड़ाने का ही उनको शौक रहता है। अभी ये है ना कि अगर मैं जाऊँगी तो मतलब जो मुझे देखेगा ना तो वो एकदम से ऐसा बोलेगा, मजाक उड़ाने लग जाएगा, यार ये ब्लॉग बना रही, ये वो, हेलो गाइज, ये वो, मजाक करने लग जाएंगे। बट उनको ये पता नहीं होता है कि शर्म सिर्फ दो ही बातों की होती है, एक तो होती है गलत काम की और एक होती है चोरी की, ठीक है? और ना तो मैं चोरी कर रही हूँ ना ही कोई गलत काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे शर्माना नहीं चाहिए। और अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि दो लड़के जा रहे थे ना मेरे सामने, तो वो मुझे बोल रही हेलो गाइज, तो मैं उनको डरती हूँ क्या? नहीं डरती ना, इसलिए उनको सुनाया मैंने, उनके सामने ही सुनाया मैंने। यहाँ पे रविंद्र जी क्या लाए हमारे लिए, गोलगप्पे का पानी लाए हैं, गोलगप्पे नहीं लाए हैं उन्होंने, घर पे बनाया है, ठीक है? कैसे हो आशीष भैया, रिव्यू कैसे हो रविनाश भैया, आप बताओ प्रमोद सर। मिर्ची थोड़ा ज़्यादा है, हाँ खट्टा खट्टा सा भी हो रहा है। हाज मोला कैसा वाला, कहाँ है कैमरा विपुल सर के वो वाला, इतना जूम करके थोड़ी देखेगा कोई, किसी को वही टाइम है कि हमें जूम जूम कर देखे। तो फ्रेंड्स, आशीष भाई ने न्यू बुलेट मतलब है तो सेकंड हैंड आई थिंक, बट ली है और अभी लाए हैं इसको। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में स्टोर में, ठीक है? बाय। वीडियो स्टार्ट ही नहीं हो रखी। पता क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी ना मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, मतलब वीडियो
बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और ना आशीष भाई ने नई बुलेट लाई है, नई नहीं है वो, सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड नहीं है वो, शोरूम से इनके दोस्त ने ली थी। अभी उसका नंबर वगैरह भी नहीं, शोरूम से इनके दोस्त ने ली थी, फिर इन्होंने ले लिया, ठीक है दो ठीक है। अब भैया अब दूसरे बैठ जाओ, ये वाली भैया, ये वाली एवेंजर, ये वाली भैया, ये वाली अच्छी लग रही। हाँ चलो ठीक है, अच्छी नहीं लगनी, बढ़िया। अभी ये ले लिया भैया ने, ठीक है चलो चेंज कर देते हैं। उधर मत जाना यार, उधर पता है क्यों, क्योंकि वो हो जाएगा, उधर आना पड़ेगा मुझे। उसके अंदर क्या है, वो चैम्बर है वो। आप जाते हैं हम स्टोर में, अब हम बिजी है, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, खुशबू आ चुकी है और वो नीचे है, टेम्पो आ रहा है ना, गट 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 वो उस पर। ओह शिट, उधर से नहीं आएगी ना आगे, इधर तक इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे तनु लोगों की गाड़ी है और यहाँ से छोटी सी जगह है। और ये वाओ, कितनी अच्छी जगह पे उतार रहा है तूने। और ये चला गया टेम्पू, वाओ कितनी ब्लैक कार की। और ये कपड़े जितने भी पहने हैं ना इसने, ये सब मेरी मेहरबानी है, सारे कपड़े, जूते, सब कुछ। तो फ्रेंड्स आ गई है खुशबू, जिसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और अब से हम साथ में ही दिखा करेंगे जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है। और आप लोगों को एक बात भी बताऊंगी, मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, इसमें ज़्यादा गेस्ट पच हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी ने क्या क्या भेजा है मेरे घर से, और थोड़ा यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है, एलर्जी वगैरह, तो अभी दिखाते हैं मम्मी का भेजा हुआ सामान। तो फ्रेंड्स ये भेजी मम्मी ने मट्ठा, और ये चलेगी हमारे लगभग एक हफ्ते, ठीक है। और ये मम्मी ने कहीं से ला के दी होगी मुझे, क्योंकि हमारी गाय आजकल दूध नहीं देती है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मट्ठा हो गई, और ये है नमक, घर का पीसा वाला नमक, इसमें मसाला, मिर्च, नमक और बस लहसुन वगैरह भी होगी। और इसमें है भुग्याल, इधर लाओ कैमरा, जूम करो, इधर लाओ, जूम मत करना, जूम करेगी उस पर तो कठिन है। ये है भुग्याल, ठीक है। और ये हमारे यहाँ जब धान होता है ना, धान पक जाता है उसके बाद बनाते हैं। ये है दाल, तूर और राजमा, राजमा को हमारे छे में बोलते हैं, और तूर और गेहत मिक्स करके दे रखी है, ठीक है। मैंने बोलता गेहत गेहत देना सर। ये देखें भट्टा, ये ना जब बारिश होती है ना तब बहुत अच्छे लगते हैं, इसको ना भून के खाते हैं, तवे पे भूनते हैं और फिर खाते हैं इसको, इतना टेस्टी होता है ना ये, भट्ट बोलते हैं हमारे यहाँ, और जगह मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, सोयाबीन बोलते हैं क्या, आप लोग बताना क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो भट्ट ही बोलते हैं ना। और एक चीज़ और है, ये लाए थे हमारे घर में एक स्पेशल पर्सन, ठीक है दिखा दो, ये मेरी मम्मी ने भेजी है मिले, देखो कितने सजा रखे मेरी मम्मी ने मिले। और चीज़ भी है, और चीज़ भी दिखाती हूँ क्या क्या भेजा। और ये है
ये किसने खाया आधा? ये हैं पूरियां और ये हैं दाल के पकोड़े, ठीक है। ये हमारे गांव में बनाते हैं, जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है ना तब बनते हैं हमारे घर में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए खुशबू यहाँ पे स्पेशली आई है, ये है चावल एक अट्टा और ये है आटा। आटा क्योंकि आटा कम इसलिए है क्योंकि मैं रोटी कम खाती हूँ, और चावल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम भात ज़्यादा खाते हैं। और ये उसके कपड़े होंगे खुशबू के, दो बैग कपड़े, ठीक है।